Myra Fashion, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. आज सभी आप लोगों का स्वागत है वर्ष 2020 आपके लिए आपके परिवार के लिए। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस DGP साहब के निर्देशन अनुसार 2019 में जो हमारी उपलब्धियाँ रही हैं उनको आपसे साझा करने के लिए और जो ये नया वर्ष शुरू हुआ है 2020 इसमें जो हमारी प्राथमिकताएं हैं PHK द्वारा निर्धारित पूरे राजस्थान पुलिस के लिए एवं हमारी GRP अजमेर द्वारा स्वयं के लिए निर्धारित कुछ प्राथमिकताएं हैं जिनको आपसे हम साझा करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। पिछले साल में जो हमारे यहाँ पे चोरियाँ होती हैं रेलवे में संपत्ति की उसकी बरामदगी प्रतिशत में लगभग हमारा डबल का इजाफा हुआ है। हमारा पहले बरामदगी प्रतिशत करीब 28% रहता था जो पिछले साल में बढ़कर 54% हुआ है। इसके लिए मैं अपने हमारे मेरे यहाँ से पहले विराजमान SP मैडम श्वेता धनकर जी का और हमारी पूरी टीम एडिशनल SP साहब भोलाराम जी और हमारे जितने भी हमारे CO साहिबान हैं थानेदार जी हैं उन सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। इसके अलावा पिछले साल में हमने दो मेजर चोरियां या डकैतियां क्रैक की हैं जिसमें कि कोटा रेलवे स्टेशन के पास से 1,70,00,000 की डकैती हुई थी जिसमें कि हमारी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सप्ताह के भीतर 1,69,00,000 रुपए की बरामदगी की। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में 8 किलो करीब सोना की चोरी हुई थी। उस चोरी में हमारी पुलिस ने 4 किलो 300 ग्राम लगभग सोने की बरामदगी कर ली है। इसके अलावा एक भरतपुर में नाबालिग बच्ची 3 साल की बच्ची के साथ में जघन्य अपराध हुआ था रेप का जिसमें अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया। उसकी स्पेशल टीम में हमारे वृत्ताधिकारी कोटा जिनके पास भरतपुर रेलवे पुलिस स्टेशन लगता है श्री हुमायूं कबीर जी उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। उनके निर्देशन में ही टीम बनाई गई थी। राजस्थान पे जो केस दर्ज हुए उनके अलावा एक बंगलोर पुलिस से सूचना मिली अक्टूबर में कि वहाँ से कोई चोरी करके 40,00,000 के आभूषण लेके अपने गांव में आ रहा है। उसका गांव हमारे राजस्थान में बाड़मेर की तरफ था तो मारवाड़ जंक्शन पुलिस ने सूचना मिलते के साथ ही प्रभावी कार्रवाई करते हुए उस चोर को अरेस्ट किया और पूरी 40,00,000 की ज्वेलरी बरामद कर बेंगलोर पुलिस को सुपुर्द की। देखिए जैसे आपको विदित होगा राजस्थान प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां की पुलिस फ्री अफेयर करने में विश्वास रखती है। CM साहब माननीय CM साहब एवं DGP साहब के निर्देशन द्वारा जैसा कहा गया है तो उसके तहत हमारे यहाँ पर कोई भी परिवादी अगर आता है तो उसकी FIR दर्ज की जाती है। जैसे कि आपको हम बताएं कि मान के चले कोई मुसाफिर बॉम्बे से चढ़ा और वो दिल्ली जा रहा है तो वो राजस्थान में या तो कोटा लाइन से होके जाता है या आबू रोड लाइन से होके जाता है तो उसकी चोरी मान के चलिए सूरत में भी हुई है या दिल्ली में उसे जाके पता चला तो अमूमन बाहर प्रदेशों की पुलिस FIR देने से मना कर देती है जिस सूरत में वो फरियादी हमारे यहाँ आता। और हमारे यहाँ जैसे कि 0 FIR के एक 0 FIR होती है जिसमें वहाँ कंप्लेंट करते हैं और FIR जहाँ की होती है वहाँ चली जाती है। उसके तहत हमारे यहाँ पिछले साल में काफ़ी FIR दर्ज हुई हैं और अमूमन भी हमारे यहाँ अगर आता है कंप्लेनेंट तो हमारे यहाँ FIR दर्ज होती है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पिछले साल IPC क्राइम में लगभग 15% का इजाफा 2018 के मुकाबले हुआ है।